the scene like a big shot. EDM and hip hop, ain't no time for piss stop. Got the party jumping like crisscross. Got the gold chain and the wristwatch. आप सारे अच्छे होंगे, घर पे सेफ होंगे। तो मैंने अपने मोटो व्लॉगिंग सेटअप के लिए एपेक्सल का 170 डिग्री सुपर वाइड एंगल लेंस को मैंने ऑर्डर किया है अपने व्लॉगिंग के लिए। तो इसके अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, कैसा परफॉर्मेंस देता है। तो वीडियो पे बने रहिए, और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद है तो, और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपका रिव्यू कैसा है, आपका क्या ओपिनियन है इस लेंस को लेके। तो आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा बॉक्स, तो इसकी अनबॉक्सिंग अभी करेंगे और खुल जा। कुछ ट्रांसपेरेंट सा दिख रहा है इसके अंदर, तो ये है सब कुछ, तो इस तरह सा कुछ है इसमें। कुछ पेपर्स दिए हैं कुछ जानकारी के लिए, इसका कोई काम नहीं है, हमें तो इसे साइड कर देंगे पहले। ये केस दिया हुआ है, केस के अंदर एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा एक लेंस को सफ़ा करने के लिए कपड़ा दिया हुआ है। और ये कवर, चीप सा कवर, इसकी क्वालिटी देख के पता चल रही मुझे बहुत ही चीप है, तो कोई बात नहीं, इसको भी हटा देते हैं यहाँ से। और हम आते हैं मेन चीज़ पर, तो ये लेंस, ये लेंस को हम थोड़ा साइड करेंगे पहले। पहले बात करेंगे इसकी क्लिप की, तो क्लिप आप देख सकते हैं बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की लग रही है मुझे। और ये यहाँ पे एक लॉक दिया हुआ है, जब आप इसको फ़ोन में लगाएंगे तो उसको आप इसे बढ़ा के इसको लॉक कर सकते हैं ताकि ये खुले नहीं। और ये एडजस्टेबल भी है, आप देख सकते हैं ये पूरा एडजस्टेबल है, आपकी फ़ोन की कैमरे की दूरी जितनी होगी आप उसी हिसाब से इसे सेट करके आप लेंस को इसमें अटैच कर सकते हैं। तो इसको रखते हैं, आते हैं लेंस पे। तो ये रही हमारी लेंस, लेंस बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की लग रही है। ये थोड़ी हैवी भी है, वेट अच्छा खासा है इसका। अगर आप नॉर्मल मोबाइल में आप लगाएंगे तो आपके फ़ोन के वेट से ज़्यादा इसका वेट लगेगा आपको, आप फील कर सकते हैं। बिकॉज मैंने किया है इसे ट्राई, तो उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी लग रही है इसकी। आप देख सकते हैं, तो बस बॉक्स में इतना कुछ ही था। ये लेंस, ये अडैप्टर, ये सूखा सा प्लास्टिक का केस, ये छोटा सा टॉवल लेंस के लिए, लेंस कवर, एंड ये आपका कवर, और ये आपका चीट कोड जो अक्सर हर चीज़ में दिया रहता है। तो बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की, तो उसे ट्राई करना पड़ेगा हमें, तो चलिए ट्राई करते हैं। और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये मेरे फ़ोन की कैमरा का वीडियो है, जिसका ऑलमोस्ट लेंथ आप देख सकते हैं मेरे हाथ के बराबर ही है। आप इतनी दूर आपको दिखाई दे रही होगी, इसके बाद हम अपने लेंस को लगा के देखेंगे कि इसकी कितनी वाइडनेस रहती है, ये कितना वाइड जाता है। तो ये है लेंस के लगने के बाद, जो काफ़ी अच्छा खासा वाइड देती है, वीडियो को वाइड कर देती है। आप देख सकते हैं, अपने हाथ देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना गैप मिला है हमें चारों तरफ में। अब देख सकते हैं मेरा खिड़की पूरा अभी आ रहा है। ये विदाउट लेंस, तो मैं अभी आपको बाइक चला के दिखाऊंगा कि कैसा वीडियो रहता है कैसा नहीं। तो वीडियो बने रहिए, आगे देखते रहिए। तो मैंने अभी एपेक्सल का एक लेंस मंगवाया है 170 डिग्री का वाइड एंगल लेंस अपने मोटो व्लॉगिंग सेटअप के लिए, तो मैं उसे ट्राई करने के लिए अभी बाहर निकला हूँ। सो चेक करते हैं कैसा व्यू आ रहा है हमारा कैसा नहीं। तो वीडियो पे बने रहिए, आगे देखते रहिए, मैं इसे आपको दिखाऊंगा। बहुत ही अच्छा सा व्यू आ रहा है, बहुत ही सही है। पहले मैं ट्राई करूँ, आपका ऑलमोस्ट कवर हो जा रहा है लाइक गोप्रो। क्वालिटी आप देखिए वीडियो की, बहुत ही अच्छी तरह से मैग्नीफाइंग किया हुआ है वीडियो को,
बहुत ही स्मूथ वीडियो चल रही है और क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। ये फ्रंट कैमरा से विदाउट लेंस, तो हम अभी लेंस लगाएंगे। तो ये लेंस लगने के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा वाइड हो चुका है, बहुत ही स्पेस मिल रहा है हमें वीडियो के लिए। तो ऐसा वीडियो अक्सर मोटो व्लॉगिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आप व्लॉगिंग करते हैं तो इस तरह का कुछ इंटरफेस रहना चाहिए वीडियो का, तो बहुत ही अच्छा लुक देता है वीडियो का। तो अब देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा वाइड हो चुका है, ऑलमोस्ट बहुत जगह मिल चुका है हमें। अब मैं फिर से दिखा रहा हूँ आपको, देखिए यह है विदाउट लेंस और यह है विथ लेंस। और आपको कभी आपको कहीं भी ब्लरी एजेस नहीं दिखने मिलेंगे, बहुत ही क्लियर वीडियो आ रही है अभी लेंस के। तो बहुत ही अच्छा फीडबैक रहा है इसे, मैंने देखा, मैंने इसे ट्राई किया एक बार, खुद को पर्सनली यूज़ भी किया मोटो ब्लॉगिंग के लिए, तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रहा इसका। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप इसे ले सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, और आपके लिए बहुत भी फ़ायदेमंद भी रहेगी, आपका बहुत पैसा बच जाएगा। जिस तरह से आप GoPro लेंगे, कभी GoPro का आपका प्राइस ऑलमोस्ट 30-40,000 तक रहता है, तो आप इसे 1500 तक ऑलमोस्ट कवर कर लेंगे, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा इसका। तो मैं सजेशन यही दूंगा कि आप APX-L का ये लेंस ऑर्डर कर लें और अपने पैसों को भी बचाएं और मस्त वीडियो बनाएं। APX-L 170 डिग्री सुपर वाइड एंगल लेंस, फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैंने जहाँ से बाय किया है तो आप भी वहाँ से ख़रीद लीजिएगा। थैंक यू सो मच, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।